किसी का भला हो तो नेकी कर देनी चाहिए। ईश्वर अगर धन दे तो गरीबों की झोली भर देनी चाहिए। नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस नए अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाएंगे जिनके लिए धर्म, जाति, भेदभाव जैसे शब्दों का कोई जगह नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़ारीबाग के मोहम्मद खालिद जी की, जिन्होंने लगभग 10,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। इतना ही नहीं, बनारस के गंगा नदी में इन सारे लावारिस लाशों का अस्थियों का विसर्जन भी किया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। झारखंड राज्य का एक जिला है हज़ारीबाग, जिसे झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये शुरुआत से ही चर्चा में रहा है, चाहे वो बुद्ध काल हो या फिर आजादी की लड़ाई का समय। हजार बागों का शहर होने की वजह से इसे हज़ारीबाग नाम दिया गया है। इसी हज़ारीबाग के रहने वाले हैं लावारिस लाशों के वारिस मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद भाई हम लोग सब के दिल में बसते हैं। हम लोग तो देखिए ईश्वर को देखे नहीं हैं, उनके बारे में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, खालिद जी को देखते हैं और इनके साथ काम करने वालों को देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का ईश्वर दर्शन हो गया। इनके तो बहुत तरह के काम हैं, लेकिन दो काम जो हम सब के लिए प्रेरणा बना है, एक मुर्दा कल्याण समिति का इन्होंने गठन किया, इनके साथ तापस चक्रवर्ती रहे, किरीटी राय रहे और भी इनके साथी रहे, और जिस तरह से इन लोगों ने विकट विकट स्थिति में पड़े लाशों को इन लोगों ने अपने हाथों से बटोरा और उनका बहुत सम्मान से अंतिम संस्कार करने का एक व्यवस्था की, जो जिस धर्म के हैं उनके धर्म को पता करके, ये एक मिसाल बना। और पूरे झारखंड में, केवल हज़ारीबाग में ही नहीं, एक बार तो ये रांची में जा के वहाँ पर भी इस तरह के सैकड़ों लावारिस लाशों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। इनके साथ हज़ारीबाग से एक बहुत बड़ी टीम भी इनके साथ गई, एक साथ 10-10, 12-12 चीता वहाँ जलाया गया, और जिनका कोई नहीं उनको अंतिम विदाई देने की इन्होंने व्यवस्था शुरू की, वो आज भी चल रहा है। दूसरा, इन्होंने एक रोटी बैंक चलाया। भूख क्या होता है ये वही जानता है जिसको रोटी उपलब्ध नहीं होती है, और मानसिक रूप से जो लोग दिव्यांग हैं, ऐसे लोग को क्या पता उनको कहाँ से भोजन मिलेगा, उनका क्या रोज़गार, उनको कौन खाना देगा। खालिद जी के पास इसकी पूरी सूची है कि हज़ारीबाग में कितने इस तरह के लोग हैं, वो किस समय कहाँ मिलेंगे, और उनको जाके ये तीन टाइम खाना पहुँचाने का काम करते हैं। मानवता यानी मनुष्य के मन में दया भाव का होना, ये दया भाव इंसान का इंसानों और दूसरे जीवों के लिए होता है। मानवता जैसी भावना रखने वाले मनुष्य दूसरों के लिए हमेशा भला करते हैं। मनुष्य ही संसार का ऐसा प्राणी है जो सभी भावनाओं को समझता है, और इसी का उदाहरण है मोहम्मद खालिद। कि हिंदू धर्म या कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों ने एक ही शिक्षा दी है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। अपने और सिर्फ मनुष्यों की नहीं, पशुओं की, वृक्षों की, पेड़ पौधों की, जिनमें भी प्राण है, उन सबों का हित हम लोगों को करना चाहिए। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। रामायण में भी कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ईश्वर ने एक इंसान के रूप में धरती पर भेजा है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भगवान महावीर के बनाए उस सिद्धांतों को याद करें कि जियो और जीने दो। जिस तरह हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उस तरह धरती पर सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जिनमें भी प्राण है, कीट पतंग हो, सबों की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिसे जिनका अहित हो। और मैं हम लोग हमारा तो ये कहना है कि हमारा ये हिंदुस्तान या भारत का ये गौरव है जो पूरे संसार को एक परिवार मानता है।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारा देश संदेश को सारे विश्व में दे रहा है। अभी G20 की जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें भी यही संदेश सभी राष्ट्राध्यक्षों को दिया गया है कि सारा संसार हमारा परिवार है, हम एक परिवार के सदस्य हैं। इस भावना को दृष्टि में रखते हुए हम अपने जीवन में बदलाव लाएं और दूसरों का हित की बात सोचें। अहित की तो हम कल्पना भी नहीं करें, सोचे भी नहीं, ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में सेवा भाव हो तो वो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करने की ही सोचता रहता है। वो किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, ना ही किसी से मान की चाहत रखता है। वो तो सिर्फ अच्छे काम करता रहता है और खुद ब खुद लोग उसका सम्मान करते हैं। मोहम्मद खालिद भी ऐसे ही व्यक्तित्व के आदमी हैं। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति मरे और मृत व्यक्ति लावारिस हो तो मरने के बाद उसे उसका हक मिले, यही प्रयास मोहम्मद खालिद का हमेशा रहता है। यही कारण है कि न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरा झारखंड उन्हें और उनके किए गए कामों का सम्मान करता है। हम तो जब से देख रहे हैं यही देख रहे हैं। आपको एक घटना बताते हैं, जब कोरोना चल रहा था, पूरा पीक पे था, उस समय मुर्दा जलाने के लिए प्रशासन एक मूर्दघट्टी श्मशान का तय किया। वो श्मशान मेरे घर के तरफ हाईवे के बगल में है। एक दिन हम जब आ रहे थे तो खालिद जी वहाँ खड़े होकर मुर्दा जला रहे हैं, अकेले, कोई नहीं है, ना मुर्दा के परिवार वाले हैं ना कोई प्रशासन का लोग है। जब वापस जा रहे हैं 3 घंटे बाद, खालिद जी वहीं खड़े हैं, वहीं मुर्दा को देख रहे हैं, जला रहे हैं और बिस्कुट खा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में जहाँ हम लोग मुंह धोने के पहले हाथ को साबुन से धोते थे, ये मुर्दा जला के वहाँ खड़े खड़े बिस्कुट खा रहे हैं। हम इनसे पूछे, खालिद भैया आप यहाँ बिस्कुट खा रहे, डर नहीं लग रहा? अरे क्या करें, भूख लगा हुआ है, खा लिए। हम पूछे पानी ला दे? नहीं, पानी है, हो जाएगा काम। हम लोग वहाँ मुंह टाइट से बांध करके पार होते थे हाईवे से, और वहाँ ही खड़े होकर मुर्दा जलाने के बाद बिस्कुट खा रहे हैं। क्या करें, कोई है ही नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो अकेले कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना, इसको करने के लिए समाज में आदमी सोच भी नहीं सकता है जिसको ये कर दे रहे हैं। ये एक एसेट है समाज का, चाहे हिंदू समझे, मुसलमान समझे, जो भी समझे। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं इनके काम से प्रभावित होकर के यहाँ डूंगरमल जैन जी हैं, उन्होंने इनको एक मारुति वैन, बकायदा इस पर लिखा हुआ है मुर्दा कल्याण समिति खालिद जी को सप्रेम भेंट, और नीचे गायत्री परिवार डूंगरमल जैन इनको गाड़ी दिया गया है जिसको यूज़ करते हैं मुर्दा लाने ले जाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि खाली खालिद नाम होने से मुसलमान का या हिंदू का है, ये सब के लिए काम करते हैं। सड़क पर इनको ट्रक के नीचे आए मुर्दा को हाथ से समेटते हुए देखे हैं, जिसके घर वाले दूर खड़े हैं। इतना पीछा माने मुर्दा का हालत ही हो गया है कि कोई घर वाला नहीं सट रहा है, और खालिद जी उठा रहे हैं उसको, नाली में गिरा हुआ ट्रक ड्राइवर का लाश भी निकालते हैं। अब तो बस यही हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा आदमी और होना चाहिए। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता है, पर मोहम्मद खालिद लावारिस लाश को जलाने के लिए, चाहे वो मृत व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का हो, हर समय तत्पर रहते हैं। इसके साथ ये अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर रहे हैं। इस काम को करना कोई आसान बात नहीं, पर मोहम्मद खालिद इंसानियत के नाते इसे कर रहे हैं। उनका कहना है सभी जाति धर्म से ऊपर है इंसानियत का धर्म। मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री दिल्ली के महिपालपुर स्थित पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन से लिया, और अपना जीवन का शुरुआत जो हुआ वो एज ए लैब टेक्नीशियन के नाम से शुरू हमने किया, जिस लैब का हमने नाम माइक्रो जांच घर रखा। सन 1985 में हमारी शादी हजारीबाग निवासी तबस्सुम खानम से हुई, जिनके पिता शिक्षक हैं। उसके बाद हमारी 3 बेटियां और 1 बेटा है। 1 बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री उसने हासिल किया, और उसके बाद वर्तमान में वो मेडिकल हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट सप्लाई और मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। बेटी हमारी 3 में 1 बेटी जो बड़ी बेटी है, उन्होंने ग्रेजुएशन BCA कंप्यूटर साइंस से किया, उसके बाद वर्तमान में वो DAV पब्लिक स्कूल हजारीबाग में
शिक्षक है, दूसरी बेटी भी हमारी BCA की है और वो वर्तमान में दुबई में रहती है अपने परिवार के साथ। तीसरी बेटी हमारी छोटी बेटी जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर की विद्यार्थी है। किसी भी काम को करने की प्रेरणा इंसान को कहीं ना कहीं से मिलती है, चाहे वो कोई व्यवसाय हो या समाज सेवा। कई लोग सामाजिक उत्थान में लगे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पर मोहम्मद खालिद इन सबसे जुदा ऐसा काम कर रहे हैं जो करना आसान नहीं और सबके बस की बात भी नहीं। सर्वधर्म लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर उनके अस्थियों का विधिवत बनारस के गंगा नदी में विसर्जित करना इन्हें सभी धर्म से ऊपर कर देता है। आज से लगभग 27-28 साल पहले, हमको लगता है 85-88 में उनसे परिचय हुआ हमारा, हजारीबाग टाइम्स अखबार में यहाँ स्टार्ट किया था 1989 में। ये 89 यानी 90, 23-10-33-34 साल पहले की बात है और उसके पत्रकार बने मोहम्मद खालिद। इनको हमने सदर अस्पताल का जो स्वास्थ्य का टीम था उसको दिया बीट कि आप स्वास्थ्य का समाचार लिखें। समाचार लिखते रोज लाते, मगर समाचार के साथ साथ सदर अस्पताल में जो पीड़ित लोग आते थे, ग्रामीण आते थे, उनके संकट को ये रोज़ इतना ज़्यादा अपना पर फील करते कि रोज़ समाचार लिखने से अधिक उनकी सेवा की बात करते। हम लोगों ने व्यवस्था दी कि आप ऐसा कोई मरीज आवे जिसके पास आर्थिक स्थिति नहीं हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, भोजन नहीं हो, तो हम हजारीबाग टाइम्स के टीम वाले लोग आपको मदद करेंगे। यहाँ जितनी दवा दुकान है जिससे आप चाहिएगा दवा लीजिए, मदद कीजिए, हम लोग उसकी राशि भुगतान करेंगे। ये प्रेरणा मिली। खालिद ने एक बीड़ा उठाया कि मैं मेरे रहते कोई लाश लावारिस नहीं होगा, आदमी लावारिस रहे, ये भावना उनकी जगी। और अपने बल पर ये पैथोलॉजी चलाते थे, कुछ पैथोलॉजी से राशि आवे, मेरे हजारीबाग टाइम्स से विज्ञापन वगैरह से कुछ पैसा मिले, ये घर चलाना छोड़ के लावारिस लाशों को फूकने लगे। लावारिस फूकते फूकते इनका यह कार्य इतना बढ़ा कि जिला प्रशासन से लेकर गांव गिराव तक कहीं किसी को कोई लाश फूकने की चिंता हो तो खालिद को खोजा जाने लगा। और मोहम्मद खालिद को फिर कुछ लोगों ने सहयोग किया, एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया, हजारीबाग चतरा कोडरमा जाने लगे। इधर तो सुना कि रिम्स में कई सौ लाशें पड़ी थी जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। एक बार बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि मोहम्मद खालिद कुछ 100 लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम रांची गए हुए हैं। मुक्तिधाम रांची में भी जब करके आए उसके बाद देखा कि खालिद सड़ी गली लाशें जिसको अपने परिवार के लोग छूने के लिए तैयार नहीं है, मोहम्मद खालिद तैयार है। हफ्ता 15 दिन में मेरे पास भी आए कि भैया लाश फूकने के लिए कुछ कीजिए तो हम लोग से जो बन सके। मैं चूंकि पत्रकारिता के साथ प्रोफेसर हो चुका था तो कभी 100, कभी 200, कभी 500 लाश फूकने के लिए दिया। मोहम्मद खालिद मोटरसाइकिल में जब चले तो साथ में फर्स्ट एड की दवा, मुर्दा फूकने के लिए कफन लेके चलने लगे। अब तो ये खालिद मुर्दा फुकवा हो गए। आज इनके काम को सभी लोग सराहते हैं, इन्हें सहयोग भी करते हैं, कोई पैसे से तो कोई व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर, कोई एम्बुलेंस देकर, कोई हौसला बढ़ाकर। किसी भी संप्रदाय के लोग हों कभी ये नहीं सोचते कि मोहम्मद खालिद की मदद क्यों करें। जात धर्म से ऊपर उठकर लोग इंसानियत के साथ इन्हें मदद करते हैं। मैंने जब देखा कि एक विक्षिप्त पागल महिला का शव अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय स्थिति में, सब लोग देख के मुंह फेर ले रहे हैं, मक्खी लग रहा है, कुत्ता चढ़ रहा है, वहाँ के स्टाफ बहुत परेशान थे कि अब इसको कैसे करें, कैसे उठा के ले जाए, क्योंकि उस समय हजारीबाग में कोई शव वाहन नहीं था और ये कल्पना भी नहीं किया गया था कि मुर्दा उठाने के लिए कोई गाड़ी हो। मनमौजी लोग पैसा जितना मांगते थे, तब हम जब वो स्थिति देखे तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया, तो हमको लगा कि नहीं, इस काम को हम करेंगे। तब मैं उठा और अपने जो कुछ लोग थे उनसे बोले कि ऐसा काम करना है। उसमें हमारे एक माने तापस चक्रवर्ती जी थे, कृति रॉय जी थे और भी लोग अस्पताल के थे, तो मैंने प्रथम बार उस शव को ले जाकर शमशान घाट ले गए। लेकिन वहाँ भी स्थिति बहुत विचित्र थी, क्योंकि मैं शमशान घाट ले गया था और जाति से मैं मुस्लिम था, तो सारे लोग पर देख कर ताज्जुब किए कि एक मुसलमान शमशान घाट में कैसे आ गया शव लेकर। वहाँ के जो डोम राजा थे उन्होंने काफ़ी मुझे भला बुरा कहा,
लेकिन हम बोले देखो ये मानवता है और हम लोग कुत्ता बिल्ली के जैसा ये व्यवहार नहीं कर सकते मानव का, तो इसका अंतिम संस्कार हम करेंगे, इसके गार्जियन हमको समझो, जो भी समझो सब हम करेंगे। उसके बाद वो तैयार हो गया। उसके बाद उस समय से वो सफ़र चलता ही रहा। एक लेख आई थी सन 2010 में, इंतजार अपनों का, इंतजार आखिरी विदाई का। तो रिम्स जब से बना था तब से वहाँ जितने लवारिस मुर्दे थे वो एक रूम में पड़े थे, बहुत दयनीय स्थिति में, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। तब हमने वहाँ तत्काल जिलाधिकारी के सोन को पत्र लिखा कि मैं अंतिम संस्कार करूँगा और इसके लिए किसी तरह का कोई खर्च नहीं लूँगा, बल्कि मैं सारे पैसे लोगों के सहयोग से करूँगा। उसके बाद मैं पत्राचार किया, एक दो पत्राचार के बाद हमको सरकार से अनुमति मिल गई कि आप इस शव को कीजिए। तो उसमें जुमार घाट में हम लोगों ने निर्णय किया, हजारीबाग के प्रबुद्ध जनता, आम जनता से हम लोगों ने चंदा मांगा कि वहाँ क्या खर्च है। और उसके बाद पहला काम जो सन 2010 में हम लोगों ने मुर्दा घर में रिम्स का जितना भी मुर्दा था, किसी का हाथ था तो किसी का पैर था, सर था, उसको गिनती नहीं कहा जा सकता। कोई कुछ करे या ना करे, पर किसी का अपमान, विरोध समाज में पहले होता है। ऐसा ही विरोध मोहम्मद खालिद को शुरुआती दिनों में देखना पड़ा। किसी ने कहा ये क्या काम है, दूसरे जाति के मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत है। पर कुछ लोगों ने साथ भी दिया। इन सब की परवाह किए बगैर मोहम्मद खालिद आगे बढ़ते गए। आज विरोध करने वाले लोग भी इनका सम्मान करने लगे हैं, इनके साथ हैं। समय ने सबको ये समझा दिया कि मानवता से बड़ा धर्म कोई और नहीं। जब ये काम हुआ लोग एक तरफ विरोध होने लगा, विरोध भी करने लगे। इसी समय एक घटना है कि एक नौजवान का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसकी शव को लाया जाता है, उसकी एक जवान बहन भी साथ में थी। जब अपने भाई को शव को देखती है तो वो अपना आंचल और कपड़ा उतार के उस शव को ढक देती है। ये उस समय का ये सबसे दर्दनाक घटना था, क्योंकि भाई के शव को सम्मान देने के लिए उसकी जवान बहन अपना कपड़ा उतार के देती है। तब हमको लगा कि नहीं, कभी भी हॉस्पिटल में दुर्घटना होने पर कोई आदमी कफन लेके नहीं दौड़ता है। तब हमने इस शहर के एक बहुत ही बड़े उद्योगपति काश्मीर वस्त्रालय के संचालक श्री राकेश मल्होत्रा जी थे, उनको बताया कि सर कुछ कफन का कपड़ा हमको दे दीजिए, ताकि जो लोग की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है हम उनके शव को ढक सकें। तब उन्होंने कहा कि मैं कफन दूंगा और जब तक मेरा दुकान रहेगा या जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगा तब तक हर मुर्दे को कफन हम देंगे। और वो सिलसिला जो लगभग 20 से 22 साल से चल रहा है, वो सिलसिला आज तक भी कायम है। चाहे वो रांची में शव का हम अंतिम संस्कार कर रहे हों या अस्पताल में कोई मर रहा हो। फिर बहुत सारे समाज के लोग आए जो शव के अंतिम संस्कार में कुछ पैसे खर्च होते हैं। तब हमने लोगों को धर्म भाई बनाना शुरू किया कि एक शव के अंतिम संस्कार में हमारा 500-1000 रुपया खर्च होता है, आप एक धर्म भाई बनिए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, धर्म भाई लोग बने। तो इससे एक दूसरा फायदा यह हुआ कि जब मैं किसी लवारिस शव का अंतिम संस्कार कर देता था और उसके बाद उसके परिजन आते थे, तो मैं ये कहता था कि नहीं, यह लवारिस नहीं था, इसका भाई, इसका परिवार, फलाना लोग खड़ा थे। इस तरह से लोगों से हम लोगों ने मांगना शुरू किया। कुछ लोग प्लास्टिक देना शुरू किए, कुछ अगरबत्ती देना शुरू किए, कुछ अंतिम संस्कार में आने वाले खर्च को किए, और इस तरह से वो खर्च आज तक है। लवारिस मृत शरीर के अंतिम संस्कार के साथ साथ मोहम्मद खालिद वैसे लोग जो भिक्षाटन करके खाते हैं उनके लिए रोटी बैंक भी चला रहे हैं। स्कूल के बच्चे 2 रोटी ज्यादा लाते हैं जिसे उनसे लेकर गरीबों तक खाना पहुँचाते हैं। इनका कहना है वैसे लोग जो विक्षिप्त हैं, कमजोर हैं, कहाँ से खाना खाएंगे। भोजन सबका अधिकार है। बहुत से लोग खाना ना मिल पाने के कारण भूखे मर जाते हैं। मुर्दा कल्याण समिति और लवारिस अज्ञात शव का अंतिम संस्कार के क्रम में जब हमने कुछ शवों का
अंतिम संस्कार करने के पहले जब पोस्टमार्टम कराया गया तो मालूम हुआ कि इसके पेट में 2-3 दिन से कुछ नहीं है। तब ये बड़ा ताज्जुब लगा कि आदमी क्या भूखा मर गया, पागल था, पागल को कोई खाना नहीं देता। तब हमने रोटी बैंक की स्थापना की, लोगों से रोटी मांगा, स्कूल के बच्चों से रोटी मांगा कि आप अपने नाश्ता में अपने हिस्सा में एक रोटी ज़्यादा लाइए ताकि लोगों का पेट भरे और कोई लोग भूखा नहीं रहे। और ये कार्यक्रम 4-5 साल से हमने शुरू किया। इसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय, संत जेवियर्स स्कूल, गुलमोहर स्कूल, जेकन जेल स्कूल, मॉन्टफोर्ट स्कूल और बहुत सारे स्कूल जो हैं, उन सभी से मैं बच्चों से रोटी मांगता हूँ और उस रोटी को मैं घूमकर बिछुप्तों, पागल और असहाय लोगों को खिलाता हूँ अस्पताल में। उद्देश्य यही है, कोई भूखा नहीं रहे। मोहम्मद खालिद 2005 से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उप सचिव जब निर्वाचित हुए तभी से सामाजिक कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। किसी भी गरीब को दवा मुहैया कराना हो, अस्पताल की साफ सफाई इनके जिम्मे दी गई, जिसे आज तक ये निभा रहे हैं। अपना पराया कोई हो, सबके लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। इन्होंने शवों को सुरक्षित रखने हेतु रसायन लगाने का प्रशिक्षण रिम्स रांची से प्राप्त किया। सिर्फ ईंधन के खर्च पर शव वाहन ये प्रदान कर देते हैं। जो मुर्दा कल्याण समिति की जो बात है, और धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा कार्य कर चुके इस पूरे क्षेत्र में कि सिर्फ आदमी ही नहीं, जिसको जब लाश में परिवर्तित हो जाती है और जब सड़ने गलने के बाद भी जो इन्होंने उसको एक प्रकार से आदर सत्कार दिया है, उसके मर्म को समझा है और उसको डिस्पोज ऑफ करने में जो इन लोगों का कार्य रहा है वो काबिले तारीफ भी है और उसके विषय में कोई बड़ाई भी नहीं की जा सकती है। शायद वो इन बड़ाइयों से और इन सब चर्चाओं से भी काफ़ी ऊपर की चीज़ रही है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से उस प्रकार का कोई कार्य कर नहीं सकता। लोग बहुत दूर भागते थे बहुत सारी चीज़ों से। एक तो जीवन के बाद की चीज़ों पर उन्होंने जो संज्ञान लिया और इस तरह का कार्य, खासकर कोरोना में भी जो उन्होंने कार्य किया, जब अपने नहीं छू रहे थे किसी चीज़ को, तो वो बहुत ज़्यादा उनके विषय में बताने के लिए काफ़ी है। और रहा रोटी बैंक का जो कॉन्सेप्ट था, जो बर्बाद होता था और उस रोटी को जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने जो किया, वो उनको शत शत नमन है। उसके विषय में इससे ज़्यादा और कोई बात कहना उनके कार्यों को छोटा करना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्य जो भी कर रहे हैं और जिन्होंने इसको शुरू किया, खालिद भाई, तापसदा वगैरह जितने लोग हैं, वो सब हम लोगों के लिए बहुत आदरणीय हैं और भगवान उनको इन सब चीज़ों के करने की शक्ति दे, क्योंकि ये जात पात धर्म सारी चीज़ों से बड़ा है और हमारे संस्कृति और संस्कारों का द्योतक है। मोहम्मद खालिद का कहना है, स्कूल के बच्चों से रोटी मांग कर लंगर लगाने के पीछे दो मकसद हैं। जो बच्चे रोटी देते हैं उनके अंदर समाज सेवा की भावना जागृत होती है और गरीब भूखों को खाना भी मिल जाता है। इसके लिए इन्हें टोटो भी दान में मिला है, जिससे बच्चों से खाना लेकर गरीब लोगों तक पहुंचाने में इन्हें आसानी हो। और रोटी बैंक की जहां तक बात है, उन्होंने ये काम पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं और सबसे सराहनीय काम ये है उनका कि वो हजारीबाग के कितने भी जहाँ भी गरीब लोग हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास सब लोगों की लिस्ट होती है और बाकायदा लिस्ट के मुताबिक वो उनके घर तक या जहाँ वो पता रहता है उनको मिलेंगे, वहाँ उनको खाने की व्यवस्था करके देते हैं। 2020 और 21 में जिस समय कोविड महामारी का प्रकोप पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था, मैंने हजारीबाग शहर में उनको देखा कितनी तत्परता के साथ जो लोग असहाय, जिनकी रोजी रोटी छिन गई क्योंकि खोमचा वाला ठेला वाला सबका व्यापार नष्ट हो चुका था कोविड के डर से, उन दिनों वो अपने साथ डब्बों में करके सब्जी रोटी घर घर से कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसको लेके चौक चौराहे
गली गुच्ची हर जगह में जहाँ भी लोगों को उन्हें ऐसा लगा वो उन्हें सेवा करते रहे। और इस तरह की अनंत कथाएं उनके बारे में हैं जो वो करते रहते हैं, जो असहाय है, जिनके घर में किसी तरह की घटनाएं हो गई, मृत्यु हो गई, जिनकी उस शरीर को ले जाने के लिए लोग इकट्ठे नहीं हुए, उनके लिए अपना एम्बुलेंस वो किस तरह से जुगाड़ करते हैं, ले आते हैं, उन्हें बैठा के उन्हें सुला के ले जाते हैं, वहाँ पे जाके शमशान में अग्नि संस्कार करवाना, ये सारी चीज़ों में गजब की रुचि है उनकी। लोगों को लगता नहीं है कि कोई असहाय है अगर खालिद जी उनके बगल में हैं। वैसे तो हर लवारिस लाश का कोई ना कोई होगा, पर किसी भी कारण से उनके परिजन का पता नहीं चल पाता। इसी स्थिति में जब उन्हें शव घरों में रख दिया जाता है और सालों तक रखे रहने के कारण मृत शरीर सड़ने लगता था, इसी को देखते हुए मोहम्मद खालिद ने ऐसे लवारिस शवों का वारिस बनना तय किया। इसी क्रम में इन्होंने 10,000 से ज्यादा लवारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। जैसा भी परिस्थिति में रहते हैं वहाँ भी वो पहुँच जाते हैं, रात नहीं दिन नहीं कभी किसी भी टाइम में वो पहुँच जाते हैं। वहाँ दाह संस्कार के लिए वो जितना हो सकता है ये अपने पैसा से जेब से भी खर्चा करके वो मदद आदमी को करते हैं। साथ ही कोविड 19 में जो आदमी लोग कोई किसी के पास में कोई नहीं जाता था, ये आदमी चल जाते थे। खालिद जी का कोई उसमें भेदभाव नहीं था, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई नहीं, मतलब सभी संप्रदाय के आदमी के पास ही जाते थे। जहाँ भी इनको मदद मांगते थे वो चले जाते थे। जाने के बाद इनसे जितना भी काम होता था इस कार्य में वो करते थे। अभी भी कहीं भी अगर किसी का भी जरूरत पड़ता है तो ही जाते हैं। इनके कामों का विरोध हुआ तो कुछ लोगों ने साथ भी दिया, मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया। इनके द्वारा जलाए गए या कब्रगाह में दफनाए गए लाशों की तस्वीर एक पुस्तक में छाप कर प्रकाशित की गई, जिसे आसपास के जिलों के पुलिस स्टेशन में दिया गया, जिसे लवारिस लाशों की पहचान की जा सके और उनके परिवार की तलाश खत्म हो। कि मोहम्मद खालिद जी का जो सेवा है जिंदा लोगों के लिए नहीं, मरे हुए लोगों के लिए और वैसे परिवार के लिए जिसके यहाँ बहुत बड़ा विपत्ति पड़ चुका हो, वैसे घर के लिए जिसके यहाँ अचानक से कोई बहुत बड़ा आफत आया हुआ हो, किसी का लाश को सुरक्षित रखना हो, किसी लवारिस लाश को आपका उसका दाह संस्कार करना हो, आपका अस्थि विसर्जन करना हो या बनारस में जा कर के उनका कर्म क्रिया करना हो, तो मोहम्मद खालिद का नाम आता है। और मोहम्मद खालिद हम कह सकते हैं कि मोहम्मद खालिद हजारीबाग के लिए एक बहुत ही बड़े मसीहा के रूप में है। और मेरा मानना है कि हर एक जगह एक मोहम्मद खालिद का होना ज़रूरी है। और मोहम्मद खालिद जी है, जब हम लोग खुद अपने परिवार में जब भी ऐसा कोई विपत्ति आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई बुरी तरह से घायल है या कोई एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तो पहला नंबर हम लोग खालिद जी को डायल करते हैं कि खालिद जी मेरे साथ ऐसा हो गया, और एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आपको जो सुविधा चाहिए, जो तत्काल राहत चाहिए, वो मोहम्मद खालिद की तरफ से मिलता है। हमने अनेकों केस देखे हैं अपने परिवार में, समाज में, हजारीबाग में। कोरोना काल में जब पहला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होकर मरा तो कोई उसे छूना भी नहीं चाहता था, लोग डरे हुए थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने मोहम्मद खालिद से बात की और वो तैयार हो गए। इस काम के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लेने के शर्त पर मानव कल्याण में अंतिम संस्कार करते रहे। उसी बीच में कोरोना का एक लहर आया, तो कोरोना के प्रथम फेज में इस तरह का हालत हो गया था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तब इचाक यहाँ पर एक ब्लॉक है हजारीबाग में, वहाँ का एक आदमी बम्बई में रहता था, बीमार पड़ने पर जब वो यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो कोरोना का पहला फेज का प्रथम व्यक्ति था। उसकी 100 की स्थिति की जब वो अस्पताल में मरा तो पूरा अस्पताल में भगदड़ मच गया, कोई भी अस्पताल शहर में नहीं नज़र आया। हमको बोला गया कि आप चूंकि 100 का अंतिम संस्कार करते हैं इसलिए इसको करना होगा। डर तो मैं भी गया था,
परिवार के लोग भी डरे कि ये काम मत कीजिए, लेकिन मैंने परिवार को कहा कि मरना तो है ही है, आज मरे कल मरे तो क्यों ना, इससे अच्छा मौका देश सेवा का हमको नहीं मिलेगा। देश जो हमको दिया है इसका कर्ज उतारने के लिए मैं इसको काम को शुरू करूँगा। मैं भी जब डरते डरते गया और उस प्रथम व्यक्ति का कोरोना का अंतिम संस्कार किया, अस्पताल का एक कर्मचारी और मैं था, वो यहाँ पर आगे एक क्षितिज के पास एक नल्ला है वहीं पर हुआ, उसका मैं किया और इतना लोगों का विरोध हुआ कि गाली गुप्ता मारने पर भी उतारे हो गए कि आप क्यों यहाँ पर अंतिम संस्कार किए, और इतना विरोध हुआ। तब तत्कालीन SDO यहाँ की थी मेघा भरद्वाज, उन्होंने एक तरह से लाठी चार्ज करने के लिए, जब मैंने ये हुआ कि नहीं अब अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं लाठी चार्ज करूँगा और आप लोग को भागना होगा, तब उनके प्रयास से हम लोगों को गाली नहीं मारने के लिए जो लोग आगे आए थे वो लोग घर में दुबक गए। उसके बाद कोरोना का मैंने 38 कोरोना संक्रमित सौओं का हजारीबाग में किया। रांची में कोरोना काल में लाशों की ढेर देख प्रशासन ने मोहम्मद खालिद से मदद मांगी, जहां अपने पराये हो गए डर से लोग अपनी पत्नी अपनी बेटी अपने बाप माँ के लाशों को छूना भी नहीं चाहते थे, वहाँ मोहम्मद खालिद अपनी जान की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से अंतिम संस्कार करते रहे। रांची में मालूम हुआ कि वहाँ जो संक्रमित सौ हैं, कल्लू नाम का एक डोम करता था वो भाग गया, तब रांची अग्रवाल समाज के लोग बहुत परेशान, चूँकि रांची हरमू में अग्रवाल समाज के लोग करते हैं, तब उन्होंने मुझे संपर्क किया कि ऐसे ऐसे बात है आप मदद कीजिए आके, रांची की स्थिति बहुत भयावह है। तब मैं रांची गया, तब उन्होंने कहा कि आप क्या पैसा लेंगे, क्या खाने का रहने का हम सब व्यवस्था करते हैं, सो आप कर दीजिए। हम बोले मैं आपका सब काम कर दूंगा लेकिन आपका चाय भी नहीं पीऊँगा। और करीब करीब प्रथम फेज में हमने 98 कोरोना संक्रमित सौओं का रांची में अंतिम संस्कार किया। कोरोना संक्रमण के दौरान जब अपने कहे जाने वाले तमाम रिश्ते बेगाने हो गए थे, तब रात दिन देखे बगैर खुद की जिंदगी खतरे में डालकर हजारीबाग से लेकर रांची तक तकरीबन 500 शवों का अंतिम संस्कार किया। लोग इन्हें झारखंड में लाशों के मसीहा के रूप में जानते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को तो मैंने व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, मैंने इतनी मौत कि सुबह 5 बजे मैं शमशान घाट में पहुँच जाता था और वहाँ लाइन मुर्दा का लगा रहता था और कोई नहीं था, मैं था और एक लड़का ड्राइवर था जो भी ये कहा था कि हम 500 रुपया लेंगे 100 पर, एक लकड़ी ढोने वाला था वो भी बोला हम 500 रुपया लेंगे तभी हम कर सकेंगे। खैर उन लोगों को पैसा हमने दिया, पैसा दे के वो शुरू किया। इस बीच में 400 को एक बार मैं अंतिम संस्कार लिए करता था, जब आग लगा देता था तो फिर मैं मुस्लिम कब्रिस्तान में दौड़ के आता था, उसके बाद फिर क्रिश्चियन समुदाय के यहाँ आना पड़ता था क्योंकि उनके यहाँ ताबूत में रखने वाला कोई अपना परिवार नहीं था, तब फिर उधर से आके मैं सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक महीनों मतलब ये करते रहा। खाने पीने की स्थिति थी कि सरकार सारा होटल बंद कर दिया था तो बिस्कुट वगैरह कहीं से लेके खाता था, लेकिन बाद में जब हजारीबाग के लोगों को मालूम चला अगल बगल मोहल्ला का कि नहीं ये भूखे रह रहे हैं इनको पानी नहीं मिल रहा, तब लोग दूर से ही रख के रोड के किनारे वो चले जाते थे और तब हम लोगों को वो खाना मिलता था। हम बड़े बड़े पार्टियों में शादी में समारोह में निरंतर खाने की बर्बादी करते हैं बिना ये सोचे कि इतने ही खाने के लिए कितने गरीब तरस रहे होंगे। मोहम्मद खालिद ने इस बात को समझा और लोगों से संपर्क साध कर रोटी बैंक की स्थापना कर दी और वो खुद इसमें दिन रात लगे रहते हैं। जब मिले तब कि प्रमोद सर मैंने एक बैंक खोला है, ये बैंक खोले मुझे लगा कि क्या ये आदमी का लगता है कि मुर्दा के बीच काम करते करते लगता गड़बड़ हो गया है, तो वो रोटी बैंक की बात कहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर मैं आ रहा था अपने विश्वविद्यालय तो देखा कि एक पगली इनको डांट रही है, वो उसको पूड़ी परस रहे हैं और सब्जी दे रहे हैं, नहीं खेबो ले जो नहीं खेबो, अरे ये क्या बात है उसको खाना मिल रहा है। गलती इनसे यही हुई कि 5 से 7 मिनट लेट पहुँचे, उसको वो इंतज़ार कर रही थी। तो ऐसा अफेक्शन तो मेरा पिता पुत्र में माँ और पुत्री में भी मैंने नहीं देखा जो उस पगली के साथ
मुझे पगली नहीं कहना चाहिए, वो पागल विक्षिप्त महिला के साथ मैंने जो देखा इनका लगाव खालिद साहब का। जिस तरह से मोहम्मद खालिद समाज के हित में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें विभिन्न संस्थाओं, झारखंड सरकार, जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। पर इन सम्मानों का भी सम्मान बढ़ा है मोहम्मद खालिद को मिलने से। सादा जीवन जीने वाले मोहम्मद खालिद कहते हैं, भारत हमारा देश है, इस मिट्टी का कर्ज जब तक उतार सकता हूँ उतारता रहूँगा। याद करना चाहूँगा कोरोना काल में जब माँ पिता अपने बेटे की लाश को नहीं छू सकते थे, जब माँ के लाश को बेटा बेटी उसके रिश्तेदार नहीं छू सकते थे, वैसे अवसर पर खालिद भाई के द्वारा किट्स पहनकर और कोरोना में हुए मृत्यु से वैसे लाशों को ले जाना श्मशान तक और वहाँ पूरे सम्मान के साथ उनका कब्रदाह करना हो या फिर दाह संस्कार करना हो, उसके धर्म के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार सारा कार्य करना, यह खालिद भाई का हजारीबाग के इतिहास में अमर रहेगा। और दूसरा जो इन्होंने कंसेप्ट लाया वो जो सड़क पर भूखे लोग हैं, भिखारी हैं, भीख मांग के जीवन बसर कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, वैसे लोगों को रोटी प्रदान कर, विभिन्न जगह से रोटी कलेक्शन करके, और अपने बाइक में उनको देखा है हमने कि बाइक के दोनों ओर बॉक्स बनाए और उसमें रोटी सब्जी जो कुछ भी है ले जाकर वैसे भूखे लोगों के बीच पहुंचाना, सही मायने में यही धर्म है, यही मानवता है। और ऐसे लोगों के कारण ही भारतवर्ष में आज मानवता जीवित है, धर्म जीवित है, और ऐसे लोग उद्भव और प्रेरणा के स्रोत हैं। हमें निश्चित रूप से खालिद भाई और तापसदा जैसे लोगों से सीख लेने की ज़रूरत है। और ये कार्य उनका इतना विकसित हुआ, इतना चर्चित हुआ कि मुझे जानकारी है इस बात की कि रांची तक से खालिद भाई को बुलाया जाता था और वहाँ भी इस दाह संस्कार का काम किया है उन्होंने। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि खालिद भाई को लंबी उम्र दे और उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग सदा तत्पर रहते हैं। हम लोग के साथ जिंदा ताल्लुकात है खालिद भाई का, मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। मोहम्मद खालिद ने मुर्दा कल्याण समिति के नाम से एक संगठन बनाया है जिसके तहत बिना सरकारी मदद के लोगों के चंदा से लवारिस लाशों के हित में, उनके हक में सर्वधर्म संप्रदाय की भावना से अंतिम संस्कार किया जाता है। मुर्दा कल्याण समिति हम लोग दोस्तों में मजाक में हम लोग लेके करते थे काम, मुर्दा किए तो एक बार गप हुआ यार कोई नाम दे दो इसका, तो हमारे बहुत मित्र थे जो बोले कि अरे मुर्दा यूनियन करो, मजाक में सभी कर रहे थे, तो बोले नहीं सब मुर्दा यूनियन ये सब मजाक मत करो, मुर्दों का कल्याण कैसे होगा। तो पहला नाम जब हम लोग दिए तो सबको बोले कि मुर्दा का कल्याण कैसे होता है जी, हम बोले अगर एक मुर्दा मर के पड़ा हुआ है चाहे वो मुर्दा घर में हो या किसी गरीब के घर में हो तो उसको तो अंतिम संस्कार चाहिए नहीं, तो मुर्दा का कल्याण क्या होगा कि उसका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक होगा। तब इस मजाक के नाम को हम लोगों ने दे दिया। इस नाम का उपयोग हमने कहीं से भी पैसा लेना हो या कोई कर काम करना हो इस काम में हमने कभी भी नहीं लिया, न हजारीबाग से बाहर किसी ने मदद की। लवारिस लाशों के धर्म से अनजान मोहम्मद खालिद मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी जगह उन मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि मृतक जिस धर्म का हो उसकी आत्मा को शांति पहुंचे। इस काम को करते हुए मुझे जो लगा वर्तमान समय में, चाहे वो हिंदू की मृत्यु हो, मुस्लिम की मृत्यु हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अंतिम संस्कार इतना महंगा हो गया है कि किसी गरीब के यहाँ अगर कोई मौत हो जाती है तो उसको ये गम नहीं होता है कि मेरा परिवार मर गया, उसको ये गम सताता है कि अब इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, बड़े बड़े लोगों से आह्वान करता हूँ कि
अंतिम संस्कार करने वाले जो जहाँ पर भी जिस जगह संस्था है उनको मदद करे, उनको कफन लकड़ी की व्यवस्था कर दे, ताकि कोई गरीब अगर मरे तो उसको ये दिल में नहीं रहे कि अब इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। हजारीबाग में तो मैंने पूरा भरसक कोशिश किया है, और यहाँ पर भी किसी भी गरीब की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको ये फिक्र नहीं होता है कि मेरा अंतिम संस्कार कैसे होगा। सर, इसी में एक बहुत ही अभी मुझे याद आया कि बहुत एक रोचक घटना और ये प्रेरणादायक घटना था कि एक प्रोफेसर पिता का अपने किसी वाद विवाद में पुत्र से विवाद हो गया, तो पुत्र ने पिता को कुछ अपशब्द कहा होगा, तो पिता ने उनसे सिर्फ एक शब्द कहा कि तुम भूल रहे हो कि मेरा अंतिम संस्कार तुम करोगे, जब तक हजारीबाग में खालिद है अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हारे जैसे बेटों की ज़रूरत नहीं होगी। तब मुझे जब ये मालूम हुआ तब मुझे लगा कि कितना लोगों का विश्वास है, मैं मरते दम तक आपके से आज ये प्रणय करता हूँ, कहता हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं कोई भी मुर्दा हो उसका अंतिम संस्कार होगा, पूरे सम्मान के साथ होगा, और लोगों से आह्वान है कि वो इस दर्द को समझें कि सभी शोक मानने वाले का अंतिम संस्कार हो और बढ़ चढ़ कर इसमें मदद करें। लावारिस लाशों के वारिस, जी हाँ, ये नाम समाज ने मोहम्मद खालिद को दिया है उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखकर। हाँ, अपने जीवन में उलझे रहते हैं, धर्म मोह माया ऊंच नीच जात पात। मरने के बाद मनुष्य का शरीर ही सिर्फ रह जाता है। मोहम्मद खालिद जी का ये कहना है कि लाश को कम से कम 2 गज कफन का हक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जात पात और धर्म नहीं रह जाता, रह जाता है सिर्फ इंसानियत। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।